दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2023 में अपने मैनेजमेंट को भी काफ़ी मजबूत करना चाहती है। प्लेइंग 11 तो इनकी 100% काफ़ी मजबूत हो जाएगी और जो कमियां रह जाएगी मिनी ऑक्शन में पूरी कर लेंगे। बट बिहाइंड द सीन्स की अगर बात करें तो यहां पर जब टीम चुनी जाती है और उसके बाद जब मेन रोल निभाने का यहां पर मौका मिलता है तब टीम केकेआर उस चीज़ में सबसे पीछे रह जाती है और यहां डिस्टर्बेंस करती है खिलाड़ियों को मैदान के अंदर जब मैच चल रहा होता है। तो मैं आपको आज हेड मेंटर के बारे में बताने वाला हूं, कुछ अच्छी खबर कह सकते हो या फिर कुछ ज़्यादा ही बुरी खबर कह सकते हो। तो क्या है ये खबर, क्या है हेड मेंटर से रिलेटेड अपडेट। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर देना। केकेआर के बड़े वाले फैन हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन जरूर कर लो। सो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि टीम केकेआर के यहाँ पर काफ़ी सारी फ्रेंचाइजीज हो गई हैं, तो जो मैं हेड मेंटर आपको बताऊंगा वो दोस्तों सिर्फ केकेआर के नहीं बल्कि केकेआर ग्लोबल जो है ग्लोबल ग्रुप है, यानी दोस्तों चाहे वो टीकेआर हो चाहे एडीकेआर हो चाहे जो मर्जी टीम हो वो उसके भी हेड मेंटर बन जाएंगे। बट दोस्तों यहाँ बुरी खबर हेड मेंटर को लेकर आ रही है। बट उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि यहाँ पर टीम इंडिया में हेड मेंटर बनेगा या फिर नहीं बनने वाला है। तो दोस्तों अनलाइकली आप सभी को बता दें कि हर एक टीम के पास यहाँ पर टीम डायरेक्टर भी आप कह सकते हो, एनालिस्ट अलग कह सकते हो, हर एक टीम के पास टीम केकेआर की मैनेजमेंट से ज़्यादा ही मेंबर्स हैं। और दोस्तों कुछ अच्छा कर रहे हैं तो टीम कुछ बेकार भी ज़्यादा कर रहे हैं केकेआर से। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बातचीत की गई थी यूसुफ पठान से, इसके बाद बातचीत की थी युवराज सिंह से, दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया। टीम इंडिया के अंदर जो IPL साल 2023 का सीज़न आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर पूरी तरह से हेड कोच ही हैंडल करने वाले हैं, क्योंकि जो इनके हेड मेंटर है उन्होंने तो मना कर दिया। बट दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पर ना सिर्फ केकेआर के इंडिया ग्रुप के लिए बल्कि ग्लोबल ग्रुप के लिए उनको लिया जाता, जो कि अभी दोस्तों टीम इंडिया के अंदर चंद्रकांत पंडित निभाएंगे जिम्मेदारी और बाहरी जिम्मेदारी अभिषेक नायर निभा रहे हैं। और इस जिम्मेदारी में हल्की फुल्की चोट उनके साथ हो गई है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों टीकेआर जो सबसे ज़्यादा सफल टीम थी CPL की बहुत बुरा परफॉर्मेंस दे रही है CPL में इस बार यहाँ पर अभिषेक नायर की अगुवाई में। तो खैर दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताओ अगर टीम केकेआर में हेड मेंटर आता है तो वो इंडियन होना चाहिए ओवरसीज होना चाहिए और वो क्या नाम होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जरूर लाइक कर दो।